त्रिपुरा में बीजेपी की जीत के बाद से ही तनाव का माहौल है। राज्य में कई जगह हिंसा, मारपीट और मूर्ति तोड़े जाने की घटना भी सामने आई है, जिसको लेकर सीपीएम लगातार विरोध कर रही है। और यही कारण है कि सीपीएम ने त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के बाद जारी हिंसा के विरोध में चारीलाम सीट से अपना उम्मीदवार हटा लिया है। चारीलाम सीट पर 12 मार्च को चुनाव होने वाले हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा बीजेपी के उम्मीदवार हैं। आपको बता दें, सीपीएम उम्मीदवार के निधन के कारण इस सीट पर चुनाव नहीं हो सका था। इससे पहले सीपीएम ने चुनाव आयोग से चारीलाम सीट पर उपचुनाव टालने की अपील भी की थी।